नमस्कार, मैं हूं श्वेता शुभा और आज फिर से आपका फूड फन एंड म्यूजिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ स्पाइसी कॉर्न मसाला। मुझे पता है कि फेस्टिवल का सीजन आ रहा है और ऐसे में बहुत सारे घर में बिना प्याज लहसुन के, विदाउट अनियन गार्लिक के खाना बनाना पड़ता है। ऐसे में लोग काफी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं कि वो टेस्टी भी हो और सभी पसंद से खाए भी। आज तक मैं जितने भी खाना बना रही हूँ वो सारे बिना प्याज लहसुन के होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बिना प्याज लहसुन का खाना ही खाती हूँ और बनाती भी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी बिना प्याज लहसुन के स्पाइसी खाना बनाऊं, जो कि बड़े आसानी से आप बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसे आप सावन में बना सकते हैं, नवरात्रा में बना सकते हैं, या फिर कार्तिक के महीने में बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें आप बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना चाहते हो तो उसमें बना सकते हैं। तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी स्पाइसी कॉर्न मसाला। और मैं ये बात बताना चाहूंगी कि फेस्टिवल में अब चले स्पाइसी कॉर्न मसाला बनाने, भूख भी लग गई है, तो चले अब हम बनाते हैं स्पाइसी कॉर्न मसाला। स्पाइसी कॉर्न मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए महीन महीन कटे हुए 1 से 2 बड़े चम्मच गाजर, 1 कटोरी महीन महीन कटे हुए पत्ता गोभी, महीन महीन कटे हुए 1 से 2 हरी मिर्च, जो ज्यादा स्पाइस पसंद करते हैं वो और भी मिर्च ऐड कर सकते हैं। और ये रहा इस रेसिपी का हीरो, कॉर्न, 1 बड़ी कटोरी कॉर्न। और ये है रंग बिरंगे शिमला मिर्च, जिसमें है हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ऑरेंज शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च, और ये है नींबू, 1 चम्मच चाट मसाला और लगभग आधा चम्मच काली मिर्च, या उससे कम भी ले सकते हैं। लाल मिर्च, यह है कश्मीरी लाल मिर्च, ये कम स्पाइसी होता है। नमक, स्वाद के अनुसार नमक हमें लेना है। और ये है बटर, मैं तो रेडीमेड बटर लाती हूँ, यदि आपके घर में फ्रेश बटर हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। अब हम चढ़ाएंगे पैन को चूल्हे पे, जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच बटर। जब बटर पूरी तरह मेल्ट हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे महीन महीन कटे हुए 1 कटोरी पत्ता गोभी, अब हम पत्ता गोभी को थोड़ा भुनेंगे। थोड़ी देर पत्ता गोभी भुनने के बाद जब ये थोड़ा लाइट ब्राउन दिखने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच महीन महीन कटे हुए गाजर। गाजर ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर और भुनेंगे। थोड़ी देर गाजर भुनने के बाद हम इसमें महीन महीन कटे हुए हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप यदि ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप चाहे तो हरी मिर्च ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रंग बिरंगे शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च लगभग 1 चम्मच, पीली कटी हुई शिमला मिर्च लगभग 1 चम्मच, ऑरेंज शिमला मिर्च
लगभग एक चम्मच, और ये है लाल शिमला मिर्च लगभग एक चम्मच। अब हम इन सारे कटी हुई सब्जियों को थोड़ी देर और भूनेंगे। है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, लगभग रेनबो कलर की। इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसी कॉर्न मसाला के मेन हीरो कॉर्न को। कॉर्न डालने के बाद हम इसे फिर से भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसे भूनेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद ये सारी वेजिटेबल्स से पानी छोड़ने लगता है, इसलिए हम इसे फुल फ्लेम पे भूनेंगे। जब ये भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमारा स्पाइसी कॉर्न मसाला ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच बटर। आपके पास यदि फ्रेश बटर हो तो आप उसे डालें, वो और भी टेस्टी होगा। बटर ऐड करने के बाद हम इस बटर को पूरी तरह से कॉर्न मसाला में मिलाते रहेंगे, ताकि ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से कॉर्न मसाला में मिल जाए। अब बटर पूरी तरह से कॉर्न मसाला में मिल चुकी है, घुल चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, आप अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो काली मिर्च थोड़ा और ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे एक चम्मच चाट मसाला। और अंत में हम डालेंगे नींबू, लगभग एक से दो चम्मच नींबू का रस। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इन सारे मिश्रण को अच्छी तरह से कॉर्न मसाला में मिला लेंगे। जब ये पूरी तरह से मिल जाए तब आप इसे कटे हुए धनिया पत्ती के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ये कॉर्न मसाला गर्मा गर्म ही खाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। ये एक तरह का स्नैक्स है, इसे चाहे तो आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में खा सकते हैं, या रात में कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो आप कॉर्न मसाला खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी खाना है, बहुत ही टेस्टी खाना है। इसे बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी पसंद करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी जरूर पसंद आएगा। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो आप इसे ऊपर से छिड़क सकते हैं, और यदि आपके पास ना हो तो भी आप इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारा स्पाइसी कॉर्न मसाला तैयार हो गया। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। जो लोग बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं वो ज़्यादा स्पाइस डालेंगे, जो कम स्पाइसी करते हैं वो कम स्पाइस डालेंगे। बहुत ही टेस्टी खाना है, आप खाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय बाय।